हे व्यूअर्स, दिस इज टू बैकपैकराइज्ड और मैं हूँ विशाल रौतेल और मैं पहुँचा हूँ, हम पहुँचे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ अभिषेक सिंह बैंक्स और आज हम आपको लेके आए हैं द नेशनल म्यूजियम और आज इसके बारे में सारी जानकारी, सारी डिटेल मैं प्रोवाइड करवाऊँगा और मेरे साथ में विशाल भी प्रोवाइड कराऊँगा, मैं भी प्रोवाइड कराऊँगा सारी चीज़ें। ओके डन, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल म्यूजियम की, जो कि सबसे बड़ा म्यूजियम है। कहाँ का? पूरे भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और उसके बाद से ही यहाँ पे पूरा ऐतिहासिक काल और उससे पहले के एरा को लगातार दिखाया गया है। ये म्यूजियम हमें बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड करेगा हिस्ट्री के बारे में। और हाँ, सबसे पहली बात, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए हमारी ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाएगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, आगे की जानकारी प्रोवाइड करवाएगा विशाल। तो अब बताते हैं इसकी जगह के बारे में। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो ये रोड पड़ेगा जनपथ और इसके सामने आप देखेंगे विदेश मंत्रालय पड़ रहा है, इसके जस्ट सामने आपका नेशनल म्यूजियम है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। इस म्यूजियम में 2,00,000 आर्ट वर्क्स है और 5,000 सालों से ज़्यादा का कलेक्शन है। हाँ, तो नेशनल म्यूजियम का डिज़ाइन किसने बनाया? इसका डिज़ाइन बनाया था गणेश बिकाजी देवलकर ने और मई 1955 में उस समय के प्रधानमंत्री जो कि थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। टिकटिंग की बात करें तो अगर आप अडल्ट हैं तो मात्र 20 रुपये और अगर आप फॉरेनर हैं तो 500 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और हाँ, सबसे अच्छी बात, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्कूली छात्र हैं, तो सिर्फ मात्र 1 रुपये में आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ की सारी जानकारी ले सकते हैं और फोटोशूट भी करा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात तो मैं बताना ही चाहूँगा आपको, क्योंकि आप उल्टी सीधी वीडियो बहुत देखते होगे, बहुत सारी है ना, तो ये वीडियो हमारी बहुत काम की है, बहुत सारा मेहनत लगा है। ठीक है, इसको आप पूरा देखना, प्लीज़ पूरा देखना, पूरी देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और उन्हें बताना कि इस म्यूजियम में बहुत सारी जानकारी मिल रही है। और बस यही कहना है, पूरा देखना, ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, थोड़ा सा वीडियो में बीच बीच में हम दिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, वीडियोग्राफी निषेध है, प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड है, तो बने रहना हमारे साथ। लेकिन फोटोशूट करा सकते हैं आप, फोटो अंदर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, सारी चीज़ कर सकते हैं अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छी जगह है। आप अगर स्टूडेंट हैं और नहीं भी हैं, पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स हमें देख रहे हैं तो अपने बच्चों को यहाँ जरूर लेके आए। आपको भारतीय सभ्यता के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी। अगर आप 11th या 10th में हैं तो आपको इसके अंदर जाके जो चीज़ें मिलेंगी वो भी आपको पता चलेगा और आप इस वीडियो के माध्यम से भी ये देख सकते हैं। मतलब यहाँ विजिट करें बिना भी आप हम इस जगह के बारे में जान सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूरी जानकारी देंगे हम अपनी वीडियो में। और अगर हमारी वीडियो देखने के बाद आपके मन में थोड़ी सी जिज्ञासा हो कि यहाँ आए, तो मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ बहुत अच्छी। अगर आप स्टूडेंट है ना 11th 12th के और आपके पास टिप्स, अगर आपके पास आर्ट्स है, आर्ट्स का सब्जेक्ट है, आपको अपनी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार यहाँ आके पूरा देख लो या हमारी वीडियो देख लेना, बिल्कुल यहाँ भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ आने की क्यों जरूरत पड़ेगी, हमारी वीडियो बहुत अच्छी है और ये देखेंगे भी, सारे देखना, इस वीडियो को सपोर्ट करना और शेयर करना क्योंकि ये हम आपके लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, तो अब स्टार्ट होगी हमारी वीडियो और उसके बाद वही हमारा पुराना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ये चीज आपको लास्ट में मिलेगी पर हम बोल पहले रहे हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज टू बैकपैकर आइज दिस साइड, बाय। प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते ही आपको अपने दाहिनी ओर शीशे से बने बॉक्स में 5 तलों वाला लकड़ी का रथ जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु को श्री आदि केशव पेरुमल कहा जाता है। इसकी स्थापना श्री पशुपति आचार्य व उनके पुत्र ने 19वीं शताब्दी में की। इस रथ को बनाने में चंदन, सागौन और बबूल की लकड़ी प्रयोग में लाई गई। रथ उत्सव का आयोजन मुख्यतः अलग अलग शुभ अवसरों पर किया जाता था। थोड़ा अंदर आने पे आपको प्रवेश द्वार के ठीक सामने एक शिलालेख दिखेगा। ये शिलालेख 3री शताब्दी का है
जो कि गिरनार गुजरात से प्राप्त हुआ है और ये सम्राट अशोक की 14 घोषणाओं को दर्शाता है। म्यूजियम के प्रवेश द्वार के अंदर आते ही आपको ठीक सामने शहीदों के रजकण दिखाई देंगे। यह रजकण 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार को दर्शाता है। तो सबसे शुरुआत की गैलरी में सबसे पहले पड़ेगा ऑब्जेक्ट ऑफ द डे, जो कि है तोते के शीर्ष वाला मुठ, जो कि 18वीं सदी ईस्वी में बना है। इसका प्रयोग युद्ध में नहीं किया जाता बल्कि शानो शौकत के रूप में धारण किया जाता था। ज्वेलरी के पहले भाग में सरस्वती की मूर्ति, चाहमान 12वीं शताब्दी, उसके तुरंत बाद दूसरी मूर्ति द्वारपाल की है, गुप्तकाल 5वीं शताब्दी। तीसरी प्रतिमा आवक्ष स्त्री प्रतिमा 7वीं शताब्दी। चौथी प्रतिमा विष्णु, जिन्हें सृष्टि का संरक्षक कहा जाता है, 11वीं शताब्दी। उमा महेश्वरी यानी शिव और पार्वती 10वीं शताब्दी, ठीक उसके बाद मोहिनी 12वीं शताब्दी। हरगौरी से अंकित सोहावटी 8वीं शताब्दी तथा सबसे अंतिम शिवलिंग की उपासना करता हुआ उपासक 12वीं शताब्दी है। सबसे पहले एंट्री लेते ही आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर एक गैलरी मिलेगी। जैसा कि आपको पता होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, तो इस गैलरी में लगभग 3500 से भी ज़्यादा के ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस डांसिंग गर्ल है जो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा स्केलेटन, जो कि जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, जो हरियाणा के राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ था। टेराकोटा इमेज से बनी हुई मातृ देवी मदर गॉडेस की मिट्टी की मूर्ति भी आपको दिखाई देगी। ये जो मृद भांड मिट्टी के बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका स्कल्पचर ब्रॉन्ज, टेराकोटा, बोन ऑब्जेक्ट, आइवरी, सेमी प्रीसियस स्टोन, पेंटेड पोटरी, ज्वेलरी के बहुत सारे आइटम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। कई सारे मृद भांडों को शवदाह के लिए भी बनाया गया है और यहाँ पे आपको एक पिलर देखने को मिलेगा जो कि आगे स्क्रीन पे शो होगा। वो पिलर तो आप जानते ही होंगे, जो किसी मकान का बेस होता है उसके लिए बनाया जाता है। बहुत सारी मोहरें भी दिखाई देंगी। ये मोहरें, इनमें चित्र बने हुए हैं हाथी, यूनिकॉर्न, टाइगर्स, क्रोकोडाइल और बहुत सारे अननोन सिंबल जिनको पहचाना जा सकता है। साथ ही साथ आगे आपको धोलावीरा सिविलाइजेशन का मानचित्र भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा मोहनजोदारो, जिसका उत्खनन 1920 यानी जिसका एक्सकवेशन 1920 में किया गया था और इसका काफ़ी सारा सामान लाहौर म्यूजियम में उस टाइम था। आफ्टर पार्टीशन, बंटवारे के बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ों का बंटवारा होता है, तो उनमें ये चीज़ें भी शामिल थी जिनको एक्सकवेट करके निकाला गया था। तो इनमें काफ़ी सारे प्रीसियस स्टोन अभी भी पाकिस्तान में हैं और कुछ बंटवारे के बाद जो कि भारत में ले आया गया। Yeah.
अब जो समाधान हम आपको दिखा रहे हैं ये समाधान राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 165 सेंटीमीटर के आसपास है और इसका सर जो दिख रहा है आपको, सिर वाला भाग, वो पश्चिम दिशा की ओर है और इसके बाएं हाथ में दो चूड़ियां इसने पहन रखी हैं। आजकल ऐसा माना जाता है कि विवाहित औरतें जो हैं वो चूड़ियां पहनती है। अच्छा, इसके ऊपर की साइड में आप ये मृद भांड मिट्टी के बर्तन देख रहे होंगे, तो पहले टाइम पे ऐसा माना जाता था कि मिट्टी के बर्तन जीवन के पश्चात, मतलब मृत्यु के पश्चात जीवन को दिखाते हैं, ऐसा तब के लोग विश्वास रखते थे। हड़प्पा सभ्यता की गैलरी के तुरंत बाद मौर्य, सुंग और सातवाहन आर्ट गैलरी है, जिसमें चौथी शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के ऑब्जेक्टों को दिखाया गया है। ज़्यादातर ऑब्जेक्ट भगवान बुद्ध के जीवन काल को दर्शाते हैं, जिसमें बौद्ध चक्र, बौद्ध ट्री, सिंहासन और कई अलग अलग फुटप्रिंट्स भी हैं। इसके तुरंत बाद कुषाण गैलरी है, जिसमें पहली से तीसरी शताब्दी तक को दिखाया गया है। इस गैलरी में मुख्यतः कुबेर, जो कि धन के देवता है, उनकी मूर्ति को दर्शाया गया है तथा उसके अलावा बोधिसत्व की मूर्तियां भी हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये कुबेर की मूर्ति है। इसके ठीक बाद गुप्त काल की गैलरी है, जो कि चौथी से छठी शताब्दी तक को दर्शाती है। इसमें भारतीय कला का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिलता है। रामायण तथा महाभारत के चित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया है। उसके अलावा विष्णु, मातृदेवी और अन्य कुछ प्रतिमाएं, जिनमें एक मुख लिंग को दिखाया गया है। कुछ भी एक्टिविटी। इस गैलरी के बाद अगली गैलरी ब्रॉन्ज गैलरी है, जिसमें भारत के कांस्य युग को बखूबी दिखाया गया है। इस गैलरी का डिज़ाइन श्रीमती मैत्रिका द्वारा किया गया। इसमें कुछ मुख्य प्रदर्शनियां हैं, जिसमें मूर्तियों में शामिल हैं विष्णु, कृष्ण, शिव और भैरवी की मूर्तियों को दिखाया गया है। सबसे अंत में नटराज की मूर्ति है, जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, जो क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, विलीन, ग्रेस के लिए समर्पित है। लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विच इज रिलेटेड टू द नेशनल म्यूजियम। दिस म्यूजियम वॉज प्लान टू बी बिल्ट इन फेसेस टू फाइनली गिव इट
an octagonal shape. First phase was inaugurated in 1960. Second was completed in 1989, and the final phase was foundation stone was laid in December 18, 2017. As map of the original plan suggests, roughly a quarter portion remains to be added for the completion of the building. The National Museum building has three floors with galleries radiating from a central garden court. The National Museum Institute, which is on the first floor of the museum and has a deemed to be university status, to a new campus in Noida. जब हम यहाँ खड़े हैं, वैसे हम पूरी वीडियो में आए नहीं, इसके पीछे का कारण ये है, वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे है पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, फिर भी यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के कुछ कर लिया है। अभी हम हैं पीछे, आपको दिखाएंगे एक बार, ले चलो जरा। आपको सामने दिख रहा होगा ये विट्ठल टेम्पल है हम्पी का। ये विट्ठल टेम्पल 1:14 के स्केल पर बना हुआ है और 3D इफेक्ट है इसका। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा यहाँ तक ये 1:14 में डिवाइड है और ये 3D इफेक्ट है। इसको आप अब चारों तरफ से देख सकते हैं। जैसा ये यहाँ पे दिखाया गया है स्ट्रक्चर, इसका जो भी है वो प्रॉपर वैसा ही बना हुआ है हम्पी में, जैसा कि हम्पी में ये रहा होगा वैसा ही दिखाया गया है। इसको बनाने की खूबसूरती और कितनी नज़ाकत से इसकी शिल्पकारी की गई है ये आप देख सकते हैं, इसका 3D व्यू देख सकते हैं आप। और इस जगह पे कैमरा शूट करने का मकसद यही था कि शुरुआती दरों में यहाँ पे कैमरा लाए, मतलब चालू ही नहीं किया गया था या करने दिया जा रहा था, जो भी ऑफिस सर्स थे उन्होंने मना किया है कैमरा चालू करने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए, वो फोटो क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं। आप ये रथ देख सकते थे पीछे जो गया, इसका एक और ये जो अगला स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसमें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इसको बनाने का, ये विजयनगर टाइम पे ना, ये मतलब डांस वगैरह के लिए, नृत्य कला जिसे हम कहते हैं, उसके लिए मेनली बना है। और इसकी खूबसूरती भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये इतना एरिया जो आपको दिख रहा है ये नृत्य के लिए था। अगली गैलरी जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में सिक्कों का प्रचलन को दर्शाती है, लगभग 1,30,000 से भी ज्यादा सिक्कों को संभाल कर रखा गया है, जो कि 6th century BC से नए युग तक को दर्शाते हैं किस तरीके से सिक्कों को बनाया गया। बहुत सारे अलग अलग बार्स में आपको मध्यकालीन राजपूताना इतिहास, उत्तर पूर्वी भारत, चंद्रगुप्त मौर्य, अलग अलग समय के सिक्के दिखेंगे। उसके अलावा कुछ कौड़ी और रेती दिखेंगे जिनके द्वारा वजन को नापने का काम किया जाता था। 1669 सिक्कों को डिस्प्ले में रखा गया है। तो अब बात कर लेते हैं सिक्के बनाने की विधियों का। तीन प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें सबसे पहली विधि ठप्पा विधि है। ठप्पा विधि, दो प्रकार के ठप्पों का इसमें प्रयोग किया जाता था, एक तो ऊपर से और एक नीचे से। दो अलग अलग चिन्ह के ठप्पों के बीच में गर्म धातु को रख के या फिर गर्म धातु के टुकड़े को रख के उस पर चोट मारा जाता था, तब जाके ये विधि पूरी होती थी, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको परिवर्तित गुप्त काल के सिक्के, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य या उनके वंशजों से संबंधित हैं, वो देखने को मिलेंगे। बात करूँ कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त प्रथम ने सबसे पहले आकर्षक स्वर्ण मुद्राएं के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक माना जाता है। विधि जिसे हम सांचे में डालने की विधि कहते हैं, इस विधि में सिक्के को एक बार में ही तैयार कर लिया जाता है।
ज़्यादातर तांबे का प्रयोग किया जाता है इस विधि में और इन सभी सिक्कों की बनावट बहुत अलग अलग होती है। इस विधि में दोनों सांचे को जोड़कर उसमें गर्म पिघली धातु डालकर इसे बनाया जाता है तथा ठंडा होने पर तोड़कर उस सिक्के को निकाल लिया जाता है। विधि जिसे आहत विधि कहा जाता है, इसमें आहत सिक्के तैयार होते हैं। 6वीं शताब्दी के पहले विकसित ये सिक्के चांदी के बने थे। इन सिक्कों पर किसी लेख या डेट का कोई भी जिक्र नहीं है। इसके दो भाग हैं, एक तो जिन्हें जनपद सिक्के कहा जाता है और दूसरा सर्वदेशीय सिक्के भी कहा जाता है। सबसे पुराना बार्टर सिस्टम, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाता है, उसको भी इस म्यूजियम में दर्शाया गया है। उत्तर पूर्व भारत की जनजातीय जीवन शैली पर आधारित नॉर्थ ईस्ट गैलरी, इसका मुख्य आकर्षक मेनली ये गैलरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डेडिकेटेड है। इस गैलरी में सेवन सिस्टर जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उसके साथ ही वन ब्रदर सिक्किम को दिखाया गया है। इस गैलरी में अलग अलग टाइप के कल्चरल हैंडीक्राफ्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, यूनिक ट्रेडिशंस को बखूबी दिखाया गया है। उसके साथ ही साथ ड्रेसेस, अपियरल, हैंड गियर्स, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, बास्केटरी, पेंटिंग, स्मोकिंग पाइप्स तथा कबीली जनजातियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण, उनके मुकुट तथा परंपरा आधारित वस्तुओं को उनकी शिल्पकारी के साथ बखूबी दर्शाया गया है। अगली गैलरी शरण रानी बाकलीवाल वाद्य यंत्र विथिका, ये गैलरी डेडिकेटेड है लेट पद्मश्री रानी बकावली को, जो कि भारत की सरोद मेस्ट्रो थी। इस गैलरी के अंदर फोक, ट्राइबल, क्लासिकल ग्रुप्स के अलग अलग वाद्य यंत्र को दिखाया गया है। इसमें से ज़्यादातर वाद्य यंत्र 19वीं शताब्दी से संबंधित हैं। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं, इस पूरी गैलरी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और गैलरी में आए लोगों का भी। इस पूरे सेगमेंट को तीन भागों में बांटा गया है, वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे आकर्षक मूर्ति वीणा धारण माँ सरस्वती की है। अगली गैलरी जो कि वुड कार्विंग गैलरी है, भारत के साथ साथ नेपाल और तिब्बत के आर्टफैक्ट्स को भी इस गैलरी में शामिल किया गया है। भारत के वुड कार्विंग ट्रेडिशन जो कि 17 सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक के हैं, उसको इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत के कुछ इलाके राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और साउथ इंडिया के कई क्षेत्रों के वुड कार्विंग को भी दिखाया गया है। मंडप, ये मंडप बहुत ही आकर्षक है इस पूरे वुड कार्विंग में। अगर आप यहाँ वुडन कार्विंग की ये कलाकृति नेपाल तथा दूसरी कलाकृति तिब्बत का प्रमाण देती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ये चीज आपको लास्ट में मिलेगी, पर हम बोल पहले रहे, ठीक है ना? एंड दिस इज टू बैकपैकर आइस दिस साइड। Bye.